आपको डेटा सेंटर लेकर चलते हैं अखिलेश के पास और आइए सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं। हरियाणा एक एक विधानसभा सीट क्या कह रहा है पत्रकारों का एग्जिट पोल। अखिलेश बिल्कुल रोमाना, अपने दर्शकों को हम बता दें कि दरअसल जो वहां के एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे पत्रकार हरियाणा के जो वहां की नब्ज को भली भांति समझते हैं, उनसे हम लोगों ने बातचीत की है और उन्हीं के आकलन के आधार पर, बहुमत के आधार पर यह फैसला किया गया है कि कहां से कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो जिलावार हम बताएंगे, यानी एक एक जिले के बारे में पूरी जानकारी देंगे, वहां पर जो विधानसभा की अलग अलग सीटें हैं। तो पंचकुला से शुरुआत कर लेते हैं और पंचकुला की बात की जाए तो ये देखिए पंचकुला में क्या होता हुआ नजर आ रहा है। पंचकुला में विधानसभा की दो सीटें और दोनों सीटों पर टक्कर नजर आ रही है, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर टक्कर की स्थिति दिख रही है। पंचकुला की बात की जाए, यहां पर एक कालका और दूसरी पंचकुला विधानसभा की सीट है, लेकिन दोनों ही सीट पर आप देख रहे हैं फाइट है, टक्कर वाला। ये जो देख रहे हैं जो लाइट चल रही है, ब्लिंक कर रही है। इसके बाद अब आपको अंबाला लिए चलते हैं। अंबाला में विधानसभा की देखिए चार सीटें हैं, नारायणगढ़, अंबाला कैंट, अंबाला शहर और मुलाना। यहां पर बीजेपी के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में दो। और टक्कर वाली बात की जाए तो वहां आप देखिए एक सीट पर टक्कर वाली स्थिति है। पत्रकारों का एग्जिट पोल यमुनानगर के लिए क्या इशारा करता है, जहां पर चार विधानसभा की सीटें हैं, साढ़ौरा है, जगाधरी है, यमुनानगर और राठौर। यहां पर बीजेपी एक जीत रही है, कांग्रेस दो और अन्य की बात की जाए तो एक। ये यहां पर स्थिति नजर आ रही है। अब आपको कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर देख रहे हैं आप कुरुक्षेत्र में चार विधानसभा की जो सीटें हैं, लाडवा हो, शाहबाद हो, थानेसर और पेहोवा, यहां पर बीजेपी शून्य, कांग्रेस तीन और एक सीट पर टक्कर वाली स्थिति है, यानी आर पार की लड़ाई दिख रही है, कोई भी जीत सकता है। पत्रकारों की राय के आधार पर यह एग्जिट पोल। तो ये अलग अलग कुछ जिलों की बात हमने रोमाना की और दर्शकों को हमने दिखाया कि यहां पर पत्रकारों की राय के हिसाब से क्या होने वाला है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा आंकड़ा अभी तक आपने देखा, चार जिलों का पूरा लेखा जोखा, 14 ये विधानसभा सीटें और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इसलिए क्योंकि इसी में वो लाडवा सीट आती है, लाडवा सीट जहां से इस बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो अब तक का पूरा आंकड़ा जो आपके सामने आया है, चार जिलों की 14 विधानसभा सीटें जिसमें बीजेपी दो क्लियर कट, कांग्रेस सात क्लियर कट, अन्य एक और टक्कर में चार सीटें हैं। मतलब ये चार सीटें ऐसी हैं जो कहीं भी जा सकती हैं, लेकिन इन 14 सीटों में कांग्रेस यहां पर सात के साथ बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है। पर महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, वो जो टक्कर वाली सात सीटें हैं ना, उसमें टक्कर है कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से भी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ इस समय जफर इस्लाम साहब मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। जफर इस्लाम साहब, ये करनाल से लाडवा भेजकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ही फंसा दिया क्या बीजेपी ने? देखिए, जो आपने दिखाया है, आपके आंकड़े दिखा रहे हैं, मेरे आंकड़े उससे विपरीत हैं रोमाना जी। मुझे बस बिल्कुल रिवर्स दिख रहा है, इसलिए कि आपने पंचकुला की बात की, हमारे सिटिंग एमएलए हैं वहाँ से भी हम जीतेंगे, आराम से कंफर्टेबली जीतेंगे। अंबाला कैंट में भी हम जीतेंगे, अंबाला है भी हमारे और हम रिटेन करेंगे, अंबाला सिटी में भी रिटेन करेंगे। INC को मुलाना में झटका मिलेगा, हम वहाँ भी जीतेंगे। और यमुनानगर में भी हमारे सिटिंग MP MLA हैं, वहाँ भी जीतेंगे। लाडवा में भी हम सिटिंग है और हम लाडवा में हम जीतेंगे। नहीं, लाडवा में सिटिंग नहीं है, लाडवा में मेवा सिंह जीते थे पिछली बार कांग्रेस के। आपको गलत जानकारी है, लाडवा सिटिंग नहीं है आपकी सीट। मैं एक मिनट में आपको, आप गलत सुना, मैंने कहा कि लाडवा में भी हमारे सिटिंग नहीं होने के बावजूद हम जीतेंगे इस बार, ये मैंने कहा। लेकिन लाडवा सीट पर INC है, लेकिन हम जीतेंगे यहाँ पर, ये भी कहा मैंने। सर कल नतीजों का दिन है, कल तक दावों का दंगल यहाँ पर चलेगा और आप लगातार दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन आदेश का जल्दी से रुख करते हैं। आदेश, लाडवा सीट जबरदस्त टक्कर नजर आ रही है, नायब सिंह सैनी चुनाव में फंस गए क्या? नहीं, देखिए उनको शिफ्ट करना ही मुझे लगता है बीजेपी की गलती थी। करनाल सीट से 10 साल तक मनोहरलाल खट्टर मुख्य विधायक रहे, हाँ। और जब बाय इलेक्शन हुआ तो उनको वहां से लड़ाया गया, लेकिन उसी वक्त मनोहरलाल खट्टर ने वहां के लोगों को, वहां पे ना पंजाबी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है करनाल में, उनको ये वादा कर दिया था कि ये सिर्फ बाय इलेक्शन के लिए यहाँ तक रहेंगे, उसके बाद मैं इनको शिफ्ट कर दूंगा। और फाइनली पहले नारायणगढ़, फिर कुरुक्षेत्र और करनाल और फिर लाडवा, तो चौथी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये मुख्यमंत्री की। और मुझे लगता है कि वहाँ पे एक
एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनका नाम है संदीप गर्ग, जिसने काफ़ी हद तक टक्कर दी है बीजेपी को और काफ़ी नुकसान किया है, और इसीलिए मुख्यमंत्री की सीट जो आपको फंसी हुई नजर आ रही है। और एक और चीज़ रोमाना, इसी ये जो पूरा रीजन है जिसकी आपने बात करी, इस पूरे रीजन की, यहाँ बीजेपी बहुत स्ट्रांग होती थी। पिछले 10 साल में बीजेपी ने यहाँ से मैक्सिमम नंबर सीट रखी हैं, और आप देखिए राहुल गांधी ने जिस दिन वो यात्रा की शुरुआत करी वो इसी रीजन से करी, वो नारायणगढ़ होते हुए अम्बाला, मुलाना, कुरुक्षेत्र, लाडवा, थानेसर, ये पूरा इलाका कवर किया गया है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि बीजेपी इस बार अपने गढ़ में कमजोर है, और ये 14 सीटें जो है ना, आदेश ये जो 14 सीटें हैं जिसका पूरा लेखा जोखा हमने यहाँ पर दिखाया है, इन 14 सीटों में अगर 2019 की बात की जाए तो 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार क्लियर कट मामला 14 में से सिर्फ 2 ही ऐसी हैं जो फिलहाल बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एक तरीके से आप इस इलाके को नॉर्थ हरियाणा वाला इलाका कह सकते हैं, हालांकि इसमें जो जीटी रोड बेल्ट है वो भी कहीं ना कहीं आ जाती है, लेकिन बड़ी बात यह हो जाती है हर्षवर्धन जी की कुरुक्षेत्र और वहां पर लाडवा सीट जो फंसी हुई नजर आ रही है। हालांकि रणनीति तो ये होनी चाहिए थी कि आप मुख्यमंत्री के चेहरे को उतार रहे हो तो वो आसपास की सीटों पर भी प्रभाव डाले, लेकिन यहां तो ये दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हर्षवर्धन जी, देखिए ये एक जनरल परसेप्शन है कि लाडवा लड़ाकर नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने एक गलत निर्णय लिया। अब कल जब परिणाम आएंगे तो चूंकि ये कांग्रेस की परसेप्शन गलत है कि गलत निर्णय लिया, नहीं मैं कह रहा हूं कि ये एक परसेप्शन है कि गलत निर्णय लिया, लेकिन जब कल परिणाम आएंगे तब तय होगा कि कितना गलत है कितना सही। कई बार जब आप किसी कमजोर विकेट पर होते हैं तो आप जिसको कहते हैं थोड़ा डेयरिंग करनी होती है, और कई बार राजनीति में वो सफल हो जाता है, कई बार असफल होता है। अब अगर इसी जो एग्जिट पोल ये पत्रकारों वाला है, ये थोड़ा दूसरे एग्जिट पोल से ज्यादा मुझे रियलिस्टिक दिखता है। दरअसल हरियाणा की, पूरे हरियाणा की अंबाला कुरुक्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए स्ट्रांग विकेट रहा है, लेकिन ओवरऑल कोई ऐसा हरियाणा में कभी भारतीय जनता पार्टी कोई 70-80 वाली नहीं रही। 2009 में तो 4 विधायक थे, उसके बाद ना अचानक वो बढ़ी और फिर 2014 और 19 में बनी, 19 में फिर 40 पर आ गई, लेकिन अपनी इस स्ट्रांग होल्ड में 2 सीटों पर भाजपा और 7 कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के पक्ष में एक हवा है। 4 सीटें टक्कर का सीधा सा मतलब हुआ कि अगर जो हम लोग जिसको हम कह रहे हैं कि परसेप्शन और रियलिटी के बीच का जो फर्क है अगर वो बदल गया तो दोनों एक बराबर दिखेंगे। 7 सीटें पिछली बार जीती थी, इनमें लगभग वहीं फिर से पहुंच जाएगी, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये इसको हम सैंपल माने, अभी तो हालांकि 90 सीटों में हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा, तो इसका सीधा सा मतलब ये भी हुआ कि जो क्लीन स्वीप जैसा, क्योंकि मैं ये मानता हूं मतलब कि अगर कि अभी मामला खुला खेल हो सकता है, मतलब फिलहाल ये जो पत्रकारों वाला एग्जिट पोल है इससे मुझे ये लग रहा है। ठीक है सर, ठीक है, मैं तस्वीर और खोलते हैं सर, पत्रकारों का ये एग्जिट पोल है और अन्य सीटों को लेकर पत्रकारों की क्या राय सामने निकल कर आ रही है, पत्रकारों के एग्जिट पोल के कुछ और आंकड़े, कुछ और विधानसभा सीटें, कुछ और जिले जल्दी से लेकर चलते हैं दर्शकों को डेटा सेंटर अखिलेश के पास। बिल्कुल, देखिए लोगों के मन में कौतूहल है कि क्या होने वाला है, पत्रकारों की राय क्या है, तो अलग अलग जिलों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं वहां की विधानसभा सीटों पर क्या समीकरण नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले जिले की अगर मैं बात करूं तो वहां पर विधानसभा की कौन कौन सी सीटें हैं वो जरा देखिए। कैथल की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर गुहला है, कलायात है, इसके अलावा कैथल, पुंडरी, ये 4 विधानसभा की सीटें जहां पर आप देख रहे हैं बीजेपी खाता नहीं खोल पा रही है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, 1 अन्य के खाते में, और 1 पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ये तो कैथल की बात हुई। अब करनाल की बात कर ली जाए तो करनाल में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। जिले में नीलोखेड़ी है, इंद्री, करनाल, घरौंडा और असंध, यहां पर 3 सीटें कांग्रेस जीती हुई नजर आ रही है पत्रकारों की राय के मुताबिक, और 2 सीटों पर कांटे की टक्कर है, यानी आर पार की लड़ाई आप कह सकते हैं। तो ये तो करनाल की बात हुई। इसके बाद हम आपको अब जरा पानीपत लिए चलते हैं, पानीपत में क्या स्थिति दिख रही है। 4 विधानसभा की सीटें, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी, इसराना और समालखा, यहां पर आप देखेंगे कि बीजेपी यहां 3 जीतती हुई दिख रही है और 1 पर कांटे की टक्कर है। ये जो पत्रकारों का एग्जिट पोल है उसका पानीपत के लिए ये इशारा कि यहां पर बीजेपी फायदे में दिख रही है, यानी 3 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और 1 पर कांटे की टक्कर। अब आपको बता दें रोहतक के बारे में, तो रोहतक में देखिए 4 जो विधानसभा की सीटें हैं कौन कौन सी, एक तो वहां पर महम है, इसके अलावा गढ़ी सांपला है, किलोई, रोहतक, कलानौर है एससी सीट। यहां पर आप देखेंगे कि कांग्रेस 3 सीटों पर जीती हुई दिख रही है, 1 पर कांटे की टक्कर है। तो ये पत्रकारों का एग्जिट पोल और उसका ये इशारा। और जिले जिनके पूरे आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं, मतलब ये 17 और विधानसभा सीटें आ गई हैं जिसका पूरा लेखा जोखा मैं आपको दिखाने जा रही हूं, इसमें कैथल भी है, इसमें रोहतक भी है, तो अभी तक कुल 8 जिले हो गए हैं,
सीटें 31 हो गई हैं जिनकी तस्वीर साफ हो गई है। 31 सीटों में कांग्रेस यहां पर पत्रकारों को एग्जिट पोल में बड़ी लीड लेती हुई 15 क्लियर कट सीटें जो है 31 में से कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 5 क्लियर कट बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। पत्रकारों का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि लेकिन 9 सीटें ऐसी हैं जो किसी भी तरफ जा सकती है, मतलब 9 सीटों पर जबरदस्त टक्कर देखने के लिए मिल रही है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बलवंत जी का रुख कर लेते हैं और शुरुआत में कैथल से करना चाहती हूँ बलवंत जी आपके साथ, क्योंकि कैथल से इसलिए सर इस बार कैथल की चार सीटें हम दिखा रहे हैं पत्रकारों के एग्जिट पोल में कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और यही कैथल जहां पर पिछली बार कांग्रेस का सफाया हो गया था, 3 बीजेपी और 1 जेजेपी के खाते में सीट गई थी इसी कैथल में। बलवंत जी जी रोमा जी, मैं आपको ये कहूँ कि कैथल जिले में एक पुंडरी ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जिसमें पिछले 27 साल से ना भाजपा जीत रही है ना कांग्रेस जीत रही है। आम तौर पर पुंडरी के लोग राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों के बजाय जो आज़ाद उम्मीदवार होता है उस पर भरोसा जताते हैं। और रोमाना जी, अगले चुनाव में वही आज़ाद उम्मीदवार किसी न किसी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरता है, लोग उसको हरा देते हैं। पिछले 27 साल से भाजपा और कांग्रेस वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाई हैं और इस बार भी पुंडरी से आज़ाद उम्मीदवार के जीतने की संभावना ज़्यादा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला पिछले चुनाव में 1200 कुछ वोटों से हारे थे, इस बार उनका बेटा चुनाव जीतेगा इसमें कोई शक नहीं है जी। कैथल में कांग्रेस की स्थिति भाजपा की तुलना में बहुत बेहतर है। बिल्कुल, वो पत्रकारों का पैनल भी यही दिखा रहा है सर। सैयद जफर इस्लाम साहब, अभी तक तो कुरुक्षेत्र की बात आपसे कर रही थी, अब जरा करनाल की बात कर लेते हैं सर। करनाल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इलाका और जबरदस्त झटका पत्रकारों का एग्जिट पोल ये बता रहा है कि करनाल में बीजेपी को लग रहा है सर। पिछली बार बीजेपी को यहाँ करनाल में 3 सीटें मिली थी और इस बार 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं करनाल से। ये क्या हो रहा है, जमीन खिसक गई बीजेपी की? करनाल तो जीटी रोड बेल्ट का हिस्सा है। देखिए अभी आप रोमाना जी, आप जिन सीटों की बात कर रहे हैं, चाहे करनाल हो, चाहे कैथल हो, चाहे पुंदरी हो, चाहे नीलोखेदरी हो, चाहे हिंदरी हो, चाहे गरंदा हो, इस सब चीज़ों पे हमारे भी एनालिसिस की हुई है और हमें लगता है कि कुछ सीटें ज़रूर एक दो कांग्रेस के की तरफ रुझान है, बट बाकी सीटें हमारे तरफ रुझान है। कुछ सीटें जो हैं वहाँ सिटिंग एमएलए हैं और हम रिटेन भी कर रहे हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। और हमारे फीडबैक मैकेनिज्म के हिसाब से, जैसे आपने फॉर इंस्टेंस आपने कलायत में बताया, कलायत में हमारे सिटिंग एमएलए हैं वो जीतेंगे, और आपने कैथल बताया वहाँ भी सीटिंग हमारे एमएलए हैं वो जीतेंगे। पुंदरी में इंडिपेंडेंट थे, इस बार हम 100% जीतेंगे। नीलोखेरी में भी इंडिपेंडेंट था, हम फिर जीतेंगे। इंद्री में बीजेपी का सिटिंग कैंडिडेट जीतेगा। करनाल में बीजेपी थी, बीजेपी रहेगी। गरौंदा में बीजेपी थी, बीजेपी रहेगी। असांदा में थोड़ा सा मैंने कहा कि थोड़ा बहुत वहाँ पर कॉन्टेस्ट है असांदा में आईएनसी और हमारे बीच में, और पानीपत में हम सिटिंग थे, सिटिंग रहेंगे। पानीपत सिटी में भी रूरल में थे और सिटिंग में भी पानीपत कंफर्टेबल पोजीशन में बीजेपी को दिखा रहा है। पानीपत आदेश के पास चलता है जरा, पिछली बार इसराना भी मैं आपको बताना चाहता हूं, पानीपत में ही आता है सर, इसराना पानीपत में ही आता है जहां से इस बार आपने अपने राज्यसभा सांसद को उतारा है चुनाव मैदान में, वही दाव यहां पर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। आदेश रोमन अपने और सवाल जरा दोहराएंगे प्लीज। आदेश, पानीपत की अगर बात की जाए तो पिछली बार बीजेपी 2 कांग्रेस 2, लेकिन इस बार बीजेपी 3 कांग्रेस 1। वो इसराना में जिस तरीके से राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार को बीजेपी ने उतारा है, वो एक फैक्टर यहाँ पर बड़ा बन रहा है खासतौर से दलित वोटों के बीच में? नहीं, मुझे लगता है पानीपत शहर और पानीपत ग्रामीण ये दोनों सीटों पे बीजेपी को एज है, और यहाँ पे मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ठीक से नहीं कर पाई, इसलिए इन दोनों सीटों पे बीजेपी आगे है। और इसराना से सटी हुई एक और सीट है समाल का, वहाँ पे भी काफ़ी क्लोज टक्कर है। अगर भूपेंद्र हुड्डा को देखते हुए जाट कम्युनिटी ने कांग्रेस को वोट दिया तो वो सीट निकल सकती है, अदरवाइज बीजेपी वो सीट निकाल लेगी। तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है बीजेपी लगभग 2 से 3 सीट जीतने की गुंजाइश है वहाँ पे। बिल्कुल, तो 31 सीटें हरियाणा विधानसभा की अभी तक जिसका आंकड़ा पत्रकारों के एग्जिट पोल का आपके सामने है, 15 कांग्रेस, 5 बीजेपी, 2 अन्य और 9 सीटों पर फिलहाल टक्कर, किसी भी तरफ ये 9 सीटें जा सकती है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप पत्रकारों का एग्जिट पोल हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर देख रहे हैं। 31 सीटों का लेखा जोखा हम आपको दिखा चुके हैं, कुछ और जिले, कुछ और सीटें, आइए जरा उसका पिटारा खोलते हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर अखिलेश के पास। अखिलेश
जी बिल्कुल रोमाना, देखिए अब तक हमने कई सीटों का हाल दिखा दिया कि पत्रकारों का जो अपना अनुभव है उसके आधार पर एग्जिट पोल क्या इशारा करता है। अब अगला जो जिला है वो झज्जर, चार विधानसभा की यहाँ पर सीटें आती हैं, बहादुरगढ़ है, बदली है, झज्जर जो कि एससी सीट है वो, और बेरी। यहाँ पर आप देखिए एक सीट पर तो कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस बाकी तीन की तीन विधानसभा की सीटें यहाँ पर जीतती नजर आ रही है। पत्रकारों के इस एग्जिट पोल के मुताबिक, उनके अनुमान के मुताबिक, ये तो हमने झज्जर की बात की। उसके बाद चरखी दादरी की बात कर ले तो दो विधानसभा की सीटें यहाँ पर आती है, एक तो है वहां पर बाहडा और दूसरी है दादरी। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती हुई दिख रही है, जबकि एक पर कांटे की टक्कर दिख रही है, बिल्कुल आर पार का मुकाबला है ये जो पत्रकारों का अनुमान है उसके आधार पर। अब भिवानी में जो चार विधानसभा की सीटें हैं, चाहे वो लोहारू हो, भिवानी, तोशाम, भवानी खेड़ा, यहां पर बीजेपी दो सीटें जीत रही है, कांग्रेस एक जीतती हुई नजर आ रही है और एक पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो ये जो पत्रकारों का एग्जिट पोल है भिवानी को लेकर ये इशारा करता है। तो ये तीन जिलों का हाल हमने आपको बताया और वहां पर इस अनुमान के मुताबिक क्या दिख रहा है, क्या तस्वीर है वो दर्शकों के सामने है रोमाना। तो ये तीन जिले और तीन जिलों की 10 सीटें अब आप और जोड़ लीजिए, 31 अभी तक हम आपको दिखा चुके थे विधानसभा सीटों का हाल, 10 और जोड़कर मामला 41 पर पहुंच जाता है और 41 पे कांग्रेस क्लियर कट, 20 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी 7 पर पिछड़ती हुई कांग्रेस से, लेकिन टक्कर यहां पर अब बढ़कर 12 सीटों पर पहुंच गई है, मतलब 12 सीटें ऐसी हैं जो किसी भी तरफ जा सकती हैं और उससे क्या खेल बदलेगा यही इस समय सबसे बड़ा सवाल जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख करते हैं। सर सबसे ज्यादा दिलचस्प यहां पर ये टक्कर वाला आंकड़ा है, जिस तरीके से कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ रहा है वैसे वैसे सीटें जिनमें टक्कर हो सकती है उनका नंबर भी बढ़ता जा रहा है, बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है? नहीं, बीजेपी के लिए ये एक जिसको कहते हैं ना कि उसके लिए उम्मीद की किरण है कि चलो परसेप्शन में हम पिछड़ गए, इलेक्शन रैली में पिछड़ गए, लोग हर कोई एग्जिट पोल में पिछड़ गए, लेकिन ये एक उम्मीद की किरण है क्योंकि 12 अगर टक्कर में है तो वो उसको दिखाता है कि हम लगभग बराबर हो। जो हरियाणा की जो स्थिति है बड़ी साफ साफ बटी हुई स्थिति है, जाट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स और उसके अलावा अदर्स की पॉलिटिक्स, तो बड़ा साफ साफ 40-40 80 जाता है, 10 सीटें हैं जो दूसरे लोग डिसाइड करते हैं। आप जो बात कह रहे हैं ना, मुझे लगता है जरा जल्दी से एक रिएक्शन बलवंत तक्षक जी का लेते हैं। बलवंत जी, मतलब मामला एंटी इनकम्बेंसी, मामला जाटों की नाराजगी, किसानों की नाराजगी, पहलवानों की नाराजगी, जवानों की नाराजगी, और तब भी स्थिति यह है कि पत्रकार जो जमीन से जुड़े हुए हैं वो बता रहे हैं कितनी जोरदार टक्कर इस हालात में भी बीजेपी कांग्रेस को देती हुई नजर आ रही है, ये तस्वीर बदल सकती है सर? निश्चित तौर पे रोमा जी, जो रोहतक है, झज्जर है, सोनीपत है, जींद है, भिवानी है, सिरसा है, ये जो जिले, हिसार है, ये जिले जो है वो जाट बहुल इलाके हैं और यहाँ कांग्रेस का एज है। आखिरी समय में जो मतदाता थोड़ा भ्रमित रहता है कि किसकी सरकार बनेगी, हवा कांग्रेस की है और जो आखिर में 2% 4% मतदाता डिसाइड नहीं कर पाता वो हमेशा जिस पार्टी की सरकार बनने की संभावना होती है उस तरफ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें खो दी हैं, पिछले चुनाव में 47 से 40 पर आ गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीटी रोड पर और दक्षिण हरियाणा में है, जाट बहुल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का इस बार बहुत कोई मजबूत जनाधार नहीं है और पार्टी के जीतने की संभावना है। हम टक्कर इसलिए दिखाते हैं कि गलत ना निकले हमारा धारणा, लेकिन आसपास की सीटों पर जब उम्मीदवार जीत रहा होता है, जिस पार्टी की सरकार बननी होती है उसी तरफ जाते मतदाता। ठीक है, तो सैयद जफर इस्लाम साहब, ये जाटों की नाराजगी हरियाणा में जिसकी वजह से बताया जाता है कि बीजेपी 2019 लोकसभा 10 सीटों से घटकर 2024 लोकसभा में 5 सीटों पर सिमट गई, विधानसभा में और भारी पड़ने वाली है बीजेपी को। देखिए रोमाना जी, आप अगर एग्जिट पोल का देखें आंकड़ा ही ले लीजिए तो हर एग्जिट पोल ने दिखाया कि हमारा जो वोट बैंक है वो बिल्कुल नहीं उसमें कमी आई है, तो वोट बैंक एज इट इज इंटैक्ट रहा है, ये साफ दिखा रहे हैं, बल्कि बढ़ोतरी दिखाई है कई एग्जिट पोल ने दिखाया है। तो ये कई चीज़ें मुझे लगता है कि वो इस वक्त उसका जो टक्कर वाली सीटें हैं वो ठीक कह रहे थे हर्षवर्धन जी, वो हमारे खाते की ही आप दिखा रहे हैं, इसलिए कि जैसे आप दादरी के ले लिए या फिर आप भादरा के ले लीजिए, वहाँ जेजेपी या इंडिपेंडेंट जीते थे, इस बार पूरे तौर से वो सीटें जो है भाजपा की तरफ आ रही है, और भी कई ऐसी सीटें, चाहे भिवानी में हम रिटेन कर रहे हैं, तोशम में जो है
वो हम इस बार INC था उसको हम वापस इस बार रिटेन लेंगे, इस बार हमें हमारी झोली में आ रही है। तो ऐसी कई सीटें हैं जिसका जिक्र मैं कर सकता हूँ जो आप टक्कर में दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो टक्कर नहीं है। हमारे फीडबैक में बिल्कुल क्लियर कट है। हमारे हिसाब से जो आप 20 दिखा रहे हैं वहाँ पर अब तक की सीटें जो आपने दिखाई 41 में, उसमें से 22 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। बाकी सीटें जो है उसमें अभी के आंकड़े के हिसाब से 22-23 सीटें हमारे आंकड़े में दिखा रही है। बाकी सीटें और भी जो आप INC और अब आप जो बात कह रहे हैं वो दूर के ढोल सुहाने माने जाएंगे या नहीं, इसके लिए तो कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आदेश रावल का जरा रुख कर लेते हैं। आदेश, अगर इस लॉजिक से चला जाए जो यहाँ पर जफर भाई रख रहे हैं, फिर तो मतलब ये 12 टक्कर वो सारी की सारी मान रहे हैं कि बीजेपी के खाते की सीटें हैं। 12 और 7 को जोड़ दीजिए, मामला 19 पर आ जाता है। फिर तो कोई फर्क ही नहीं बचा बीजेपी और कांग्रेस, मतलब मामूली लड़ाई जो है चुनाव में हरियाणा में बिल्कुल बराबरी की बीजेपी मान रही है। ऐसा है क्या जमीन पर? 19-20 वाली फाइट है क्या 41 सीटों में? नहीं नहीं, देखिए जफर भाई जो कर रहे हैं सब पॉलिटिशियन वही करते हैं और वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि भैया जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता उनको अपनी पार्टी डिफेंड करनी है, तो उस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। और ऐसे ही नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, ऐसे ही कांग्रेसी नेता करते हैं, सारे पॉलिटिशियंस एक ही तरीके से अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। एग्जिट पोल कभी किसी के फेवर में होता है, कभी किसी के खिलाफ जाता है। लेकिन जैसा आपने कहा, लड़ाई 19-20 की नहीं है, लड़ाई मुझे लगता है कम से कम 15-20 की है। इतना डिफरेंस रहने वाला है। वो इसका कारण दूसरा भी है कि आप देखिए 75 पार का नारा दिया था बीजेपी ने 2019 में, 40 सीट आई थी। आपकी सरकार बनी अलायंस की दुष्यंत चौटाला के साथ में। तो पहले भी जब 2014 में सरकार बनी बीजेपी की, जैसा कि हर्षवर्धन जी बोल रहे थे कि 4 सीट 2009 में थी, तब भी कोई ऐसी सीट नहीं आई थी कि 70 सीट आ गई तो आपकी सरकार बन गई थी। हाँ, मेजोरिटी थी आपकी 50-52 सीट के आसपास आपकी सीटें आई थी। 47 तो मुझे ऐसा लगता है डिफरेंस काफ़ी रहेगा। और बीजेपी जो है, जो डिफरेंस आपने कहा कि लड़ाई 19-20 की नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता जमीन पे देखने के बाद। लगभग जो अभी तक का जो एग्जिट पोल हमारा आया है, जो जर्नलिस्टों का एग्जिट पोल है, लगभग चीज़ें इसी के आसपास रहेंगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ मल्टीपल इश्यूज ऐसे हुए बीजेपी के साथ में, जिसमें फैमिली आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, अग्निवीर का इशू है। आप देख लीजिए, एक बात कर रहे थे कि भैया सिर्फ जाट लैंड में कांग्रेस मजबूत है। अगर आप लोकसभा चुनाव का डाटा देखेंगे तो आप देखिए अंबाला और सिरसा दोनों रिजर्व सीट हैं, दोनों कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जाट लैंड में मजबूत है। जाट लैंड में तो मजबूत थी, रहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप डाटा देंगे सोनीपत का, वहाँ बीजेपी, जबकि वो जाट लैंड है, जबकि बीजेपी वहाँ कई सीटों पे अच्छी फाइट दे रही है। तो ये ऐसा कहना कि सिर्फ जाटों के एरिया में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, ये ठीक नहीं है। जब डाटा सामने आएगा तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे इसके। जैसा मैंने बताया कि आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए सोनीपत 6 विधानसभा सीटें आती हैं पूरे जिले में, और अगर 2019 की बात की जाए तो इन 6 में से कांग्रेस ने 4 जीती थी, 2 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी। अच्छा, अभी तो हर्षवर्धन जी वो जो बिल्कुल खाटी जिसको कहते हैं ना जाटलैंड, वो हिसार, सिरसा, ये सोनीपत, जींद, इसके आंकड़े तो अभी हमने दिखाए भी नहीं है। कमोबेश अभी तक जो इलाके आए हैं वो GT रोड बेल्ट वाले, या फिर वो नॉर्थ हरियाणा वाले, आप वो यमुनानगर जगाधरी वाला इलाके की आप बात कर सकते हैं, और वहीं पर इस तरीके से बीजेपी जो पिछड़ती हुई नजर आ रही है, तो मतलब आगे बीजेपी की मुश्किल और बढ़ती हुई, या फिर वो दक्षिण हरियाणा, वो अहिरवाल वाला जो इलाका है वहां से अभी उम्मीद बाकी है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ी उम्मीद तो ये फरीदाबाद, गुरुग्राम, एक तरह से कहें कि मूल रूप से अहिरवाल, साउथ जो गुरुग्राम, साउथ हरियाणा जो कहा जाता है। हाँ। लेकिन देखिए बड़ा रोचक चुनाव है ये, ठीक बात है। और मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 19 और 24 में भी 47 और 40 पर थी भाई। कभी भी वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी। आप 4 से उसका सफर देखिए। लेकिन अगर वो यहाँ स्टैंड कर रही, जो स्थिति थी जिसमें पूरे देश में दलित पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ गया, उसमें अगर 10 में से 5 सीटें वो रिटेन करती है लोकसभा में, तो इसका मतलब ये है कि उसका ग्राउंड मजबूत है, उसका कैडर मजबूत है, जो गैर जाट कंसोलिडेशन है मजबूत। जैसे जो भिवानी की सीट है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा शानदार जीती, हराया किसको था? क्योंकि आप 24 से कंपेयर कर रहे हैं, वो चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव होता है, सिर्फ और सिर्फ कैडर और संगठन से लाकर जोड़ देते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसको कम करके आंक रहे हैं? क्योंकि उससे पहले भी हमने देखा था 2019 में भी भले ही 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी
और वोट शेयर जो है वो करीब 58%। लेकिन उसके बाद 2019 विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, वो 40 सीटों के आसपास सिमट गए थे और वोट शेयर वो 58 से घटकर शायद 36 पर आ गया था। फिलहाल कुछ और विधानसभा सीटें और कुछ और जिले, उसके बाद आप आ जाइएगा सर। जरा जल्दी से डेटा सेंटर लेकर चलते हैं दर्शकों को, अखिलेश के पास। अखिलेश, बिल्कुल, अब कुछ और जिलों की बात कर लेते हैं, चूंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले झारखंड का जिक्र किया था, तो अलग अलग जिलों की अब हम बात कर लेते हैं और उसके आधार पर आपको बताते हैं कि विधानसभा पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है किस विधानसभा में। जींद की बात की जाए तो यहां पर देखिए विधानसभा की 5 सीटें हैं, झुलाना है, सफीदों है, जींद, उचाना कला है, नरवाना है। यहां पर आप देखेंगे कि टक्कर 2 सीटों पर नजर आ रही है और कांग्रेस 3 सीटों पर जीतती हुई दिख रही है। पत्रकारों का जो आकलन है, जो वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा के हैं, उनके आकलन के आधार पर ये आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तो जींद की बात हुई जहां पर जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती है। अब फतेहाबाद की बात मैं कर लूं तो फतेहाबाद में टोहाना है, फतेहाबाद है, रतिया है। यहां पर आप देखेंगे कि कांग्रेस 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है इस आकलन के मुताबिक और 1 सीट पर कांटे की टक्कर दिख रही है। ये फतेहाबाद जिले की हमने बात की। इसके बाद अब आपको सिरसा लिए चलते हैं। सिरसा की बात की जाए तो 5 विधानसभा की सीटें यहां पर है, इनमें कलावली है, डवाली है, रानिया है, सिरसा और एलनाबाद। यहां पर आप देखेंगे कि 1 पर तो कांटे की टक्कर है जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस यहां भी फायदे में, यानी कांग्रेस के खाते में सिरसा में भी 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है इस आकलन के मुताबिक। रोमाना, बिल्कुल, तो 3 जिले और 10 और माफ कीजिएगा 3 जिले और 13 और सीटें हो गई जिनको अब जोड़ देंगे। अभी तक जो 41 का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे थे अब ये 54 हो गया, तो 54 विधानसभा सीटें हो गई हैं और अभी तक कुल 14 जिले जिसकी एक एक सीट का पूरा गुणा भाग पत्रकारों की नजर से, और वो भी ग्राउंड वाले पत्रकार हैं जो आपको बता रहे हैं 54 विधानसभा सीटों में। पत्रकार ये बता रहे हैं जो हरियाणा की सियासी नब्ज समझते हैं, कांग्रेस 28 और बीजेपी 7, ये क्लियर कट वाला आंकड़ा है। लेकिन महत्वपूर्ण जो हो जाता है वो ये टक्कर 16 सीटें जो किसी भी तरफ जा सकती हैं और इससे क्या बाजी पलट सकती है, इसी को लेकर अब तो सारी दिलचस्पी है। हालांकि जानकार ये मान रहे हैं कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बलवंत जी का जरा रुक करेंगे हम, आ रही हूं से जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले बलवंत जी, क्योंकि यहां पर जींद का हमने जिक्र किया और जींद की वो झुलाना सीट ऐसी हाई प्रोफाइल सीट बन गई जैसे ही कांग्रेस ने वहां से विनेश फोगाट को उम्मीदवार बनाया। इस बार क्या पहली बार जुलाना को महिला विधायक मिलने जा रही है बलवंत जी? निश्चित तौर पर रोमाना जी, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जुलाना से कभी चुनाव नहीं जीती है, और जिस ढंग से विनेश फोगाट के साथ किया गया व्यवहार था दिल्ली से लेकर उसके गांव बलाली तक, हरियाणा के लोगों ने एयरपोर्ट से उसके गाँव तक जिस तरह से उसका स्वागत किया और जिस तरह से उसको मेडल पहनाए गए, जिस तरह से उसको जमीन दान में दी गई, यानी कि चुनाव भावनाएं जिसके साथ जुड़ती हैं वही चुनाव जीतता है। और उसको चैंपियंस का चैंपियन प्रधानमंत्री ने कहा, हरियाणा के लोगों ने तो उसको माना ही कि वो चैंपियन है, भले ही गोल्ड मेडल नहीं लेके आई लेकिन वो झुलाना से चुनाव जीत रही है। एक रोमानी जी, मैं एक लाइन की बात आपको बताऊँ कि सिरसा ज़िले में जो 5 सीटों का अखिलेश जी ने जिक्र किया है, आखिरी टाइम में पैरोल पर गुरमीत राम रहीम को इसलिए रिहा किया गया कि भाजपा की वो मदद करें, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिरसा ज़िले की 500 सीटें हारेगी, उसको कोई सीट सिरसा ज़िले से नहीं मिलेगी। और हम जो टक्कर की बात करते हैं वो सिर्फ हम थोड़ा बचाव कर देते हैं, कोई टक्कर नहीं है। कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब 2005 में जब 67 सीटें जीती थी 90 में से 67, और 11 निर्दलीय विधायक भी उनके साथ थे, अगले चुनाव में आते आते उनकी सीटें 40 रह गई रोमाना जी, और तीसरी बार मैदान में गई जब सिर्फ 15 रह गई। तो भारतीय जनता पार्टी का तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोई मजबूत जनाधार कभी रहा नहीं, तो 47 सीटें जीतने के बाद 40 पे आ गई, अब 40 से नीचे ही जाएंगे, आगे बढ़ने की तो उम्मीद नहीं है। एक लाइन की बात और करके मैं बात खत्म करूंगा। हुड्डा साहब के राज में किसी कर्मचारी वर्ग को, पहलवान को, जवान को, किसान को, आंगनबाड़ी वर्करों को, सरपंचों को, किसी की ऐसी सेवा नहीं की जैसी बीजेपी ने की है। और इतनी सेवा करवाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अगर ये दावा करे हम सत्ता में आ रहे हैं, तो मैं तो हैरान हूँ कि वोट कहाँ से आएगा उनको। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको इन्होंने पीटा ना हो अपने राज में, और इतनी पिटाई के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है जी 8 तारीख को पता लग जाएगा। बिल्कुल, जफर भाई बताएंगे। फिलहाल तो जफर भाई, आज जैसे मैं पूरी लिस्ट लेकर यहाँ पर आप तक जानकारियां पहुंचा रही हूँ, जफर भाई के पास भी ऐसे ही हर एक सीट, हर एक जिले का पूरा हिसाब किताब है। अच्छा, फतेहाबाद वाले भी 3 नाम देख लीजिए ना,
फतेहाबाद अभी पत्रकारों का ये बता रहा है जो एग्जिट पोल आया है, एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं जा रही, मतलब दो कांग्रेस और एक पर टक्कर। अब यहां से आपने सुनीता दुग्गल को भी उतार दिया फतेहाबाद से, फतेहाबाद में पिछली बार दो सीटें आपकी जीती हुई थी। अच्छा, वो देवेंदर बबली जो जेजेपी वाले जीते थे उनको भी आप ले आए अपनी पार्टी में, उन्हें भी यहां से आपने टिकट दे दिया। हो क्या रहा है ये फतेहाबाद में, इसी पर बात कर लेते हैं जफर भाई। देखिए ऐसा है रुमाना जी, बहुत सारे सीटों का आपकी चर्चा करें लेकिन मैं कुछ सीटों के बारे में आपको जिक्र करूंगा। जैसे फतेहाबाद हमारी सीट थी, हमारी सीट ही रहेगी। आपको तोहाना भी है जो जेजेपी की सीट थी, इस बार हमारे खाते में गिरेगी ऐसा हमें अनुमान है। आपने जींद में बोला, जींद की हमारी सीट थी, इस बार भी हम रिटेन करेंगे। सफेदों में भी हम सफेदों में पिछले बार INC जीती थी, इस बार हमें मिलने की संभावना है। और इसी तरह से कुछ जो है जुलाना में भी हमें लगता है कि हम जरूर विनेश फोगाट को हराएंगे, जेजेपी जीती थी लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम वहाँ लहराएगा। रनिया सीट पे इंडिपेंडेंट थे, इस बार हमें उम्मीद है कि रनिया सीट फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। तो हम अपनी जो सीटों के साथ से अपने जो एनालिसिस हमारा है उसके हिसाब से हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। एग्जिट पोल के आधार पर पत्रकारों ने कुछ मन बना लिया है कि इस बार हमें टफ सीट दिखाना है, भारतीय जनता पार्टी जो जीत रही है उसको टफ सीट में डाल दे, टक्कर के नाम पे डाल दे। मतलब अभी तक तो वो सर्वे एजेंसी थी, अब आप कह रहे हैं कि वो जमीन वाले जो पत्रकार हैं वो भी सही से आकलन नहीं कर पा रहे हैं, वो भी शायद वो जो हवा की बात की जा रही है उसी हवा में बह रहे हैं, है ना? ये शिकायत आपने स्थानीय पत्रकारों के साथ शिकायत रख दी। ऐसा नहीं रमाना जी, इसमें कोई शिकायत नहीं, मैं सबका सम्मान कर रहा हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि पत्रकार जो है वो जहां पर लग रहा है उनको टफ सीट, वहां भारतीय जनता पार्टी क्लियरली जीत रही है। और कुछ चीजें में जहां पर आप यहाँ जिस तरीके से जिले की सारी सीटें पढ़ना शुरू कर देते हैं और मुझे बताते हैं ये तो हमने पिछली बार जीती थी, ये वाली अब हम जीत जाएंगे, ये पिछली बार जेजेपी के खाते में गई थी, ये बार बीजेपी के खाते में आ रही है, हाँ उस हिसाब से तो आपका आंकड़ा ही, मतलब अगर आपके लॉजिक से मैं चलूं आपका आंकड़ा तो इस बार 60-65-70 ही को ना टच कर जाए। सर मैं आऊंगी आपके पास, जरा एक बार दर्शकों को लेकर चलते हैं हम डेटा सेंटर। अखिलेश तैयार है सर, कुछ और आंकड़े, कुछ और नंबर, कुछ और सीटों का हाल जानते हैं, चर्चा बढ़ाएंगे आगे। चलिए अखिलेश के पास। देखिए जफर इस्लाम साहब बहुत आशान्वित हैं, टक्कर वाली सीटें सारी अपने खाते में डाल रहे हैं, प्रवक्ता है, ऐसा होना भी चाहिए, उनकी सोच अपनी जगह ठीक है। चलिए कुछ और सीटों की हम बात कर लेते हैं। तो अलग अलग जिलों का हमने आपसे जिक्र किया है और विधानसभा की सीटें बताई, अब महेंद्रगढ़ अगर चल रहे हैं तो देखिए महेंद्रगढ़ में दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अटेली है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है और नांगल चौधरी, ये विधानसभा की चार सीटें हैं। इनमें दो बीजेपी जीती हुई नजर आ रही है और दो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो ये महेंद्रगढ़ जिले की हमने बात की। इसके बाद आपको रेवाड़ी लिए चलते हैं। रेवाड़ी में जो बावल है वो SC सीट है, इसके अलावा कोसली है और रेवाड़ी, यानी तीन यहां पर विधानसभा की सीटें। यहां आप देखेंगे कि दो सीटें तो कांग्रेस के खाते में जा रही है जबकि एक पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ये हरियाणा के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका ये आकलन जिसके आधार पर हमने ये डेटा आपको दिखाया। रोमाना, तो ये महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी उसका आंकड़ा भी अब आपके सामने आ गया है और ये कहीं ना कहीं अब दक्षिण हरियाणा की तरफ जो आंकड़ा बढ़ रहा है, सीटों का जो पूरा लेखा जोखा आ रहा है उसके बाद तस्वीर जो उभर रही है, 61 सीटें अभी तक हो गई हैं, 61 सीटों के बाद बीजेपी 9, लेकिन कांग्रेस देखिए किस तरीके से क्लियर कट 32 सीटें स्थानीय पत्रकार 61 में से कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं और वो टक्कर वाली 17 सीटें लगातार वो जो ब्लिंक होते हुए आप देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन पर। और गौर करने वाली बात यह है कि हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो लगातार इन 17 सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं कि साहब वो 17 टक्कर मतलब वो बीजेपी की सीटें हैं जो पत्रकार जो हैं किसी वजह से बीजेपी को क्लियर कट नहीं दे रहे हैं, यही पूरा गुड़ा भाग अभी तक बीजेपी की तरफ से तो रखा जा रहा है। हर्षवर्धन जी, एक तो ये कि मैं बार बार हरियाणा के संदर्भ में कह रहा हूँ, भाजपा 90 सीटों पर लड़ती भले है लेकिन 14-19 में जब उन्होंने सरकार अपनी बना ली है जुड़ के जेजेपी से बनाई तब भी वो कुल जमा 55-60 सीटों पर ही ठीक से लड़ते हैं, इसको जरा समझिए। सब सीटों पर उनकी उतनी ताकत कभी नहीं रही, ये सरकार उसी में से बनाते हैं। और जब जफर इस्लाम जी बोल रहे हैं तो शायद इसीलिए लग रहा है कि वो सारी सीटें कह रहे हैं, वो अपनी जीती वाली सीटों को कह रहे हैं कि हम फिर से जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास ये गुंजाइश कम है। ऐसा नहीं है कि वो जो दूसरी सीटें जो कांग्रेस जीतती थी उसको ले पाएंगे, नंबर एक। दूसरा, एक तो देखिए ये होता है, ये चाहे पत्रकार हो चाहे एग्जिट पोल करने वाले हो, जहां माहौल बनता दिखता है और चूंकि लोकसभा चुनाव में सब बड़ा झटका खाए हैं तो क्या करते हैं, अच्छा चलो थोड़ा सा
थोड़ा सा नीचे कर लो, थोड़ा सा तो घटा लेते हैं। तो एक ये परसेप्शन का मसला होता है, लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव के जिसको कहते हैं नोटिफिकेशन से लेकर आज की तारीख तक कांग्रेस को वहां एज दिख रहा है। लेकिन मेरा फिर से वही कहना है, अगर जो समीकरण दिख रहा था, अगर दलित जाट ये सब मिलकर एक साथ वोट कर रहा है, तो फिर तो 70-80 सीटें कांग्रेस की जानी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो मुकाबला फिर कट टू कट होगा, 10 सीटें डिसाइड करेंगे। और मुझे लगता है कमोबेश 55 से 65 तक तो दिखाई रहते हैं एग्जिट पोल, मतलब दलित और अगर जाट वोट करेगा तो 55 से 65 तक का मामला, तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, दोनों मिलकर कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है? और एक बात मैं और बोल दूं, राम रहीम जैसा व्यक्ति बाहर आकर भाजपा को वोट दिला पाता है, ये मुझे हमेशा परेशान करता है। पता नहीं भाजपा के नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो इतना दिलाने की ताकत होती तो सिरसा तो जितवा लेता ना, अशोक तंवर हार गए थे वहां, तो मुझे लगता है कि ये पता ही नहीं पता सर। लेकिन ये जरूर हकीकत है कि जब चुनाव होता है पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तक, उसको पैरोल जरूर, लेकिन जिता नहीं पाता, इतना जरूर होता है सर। अब वो वोट दिला पाता है या नहीं ये नहीं पता हमें, लेकिन हाँ उसको 21, 22, 23, 24 हम देखते हैं कैसे पैरोल जरूर मिलती जाती है चुनावी साल में।